Hey guys, welcome back to our YouTube channel Mining Knowledge। दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे टाटा स्टील JIT रिजल्ट के बारे में। दोस्तों आपका रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट कब है, कब आपका दोस्तों इंटरव्यू होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा और आपका कटअप क्या हो सकता है दोस्तों टाटा स्टील JIT के एग्ज़ाम के लिए, को जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये आ चुके हैं दोस्तों हम लोग क्रोम ब्राउज़र में, आप यहां पढ़ सकते हैं दोस्तों टाटा स्टील JIT रिजल्ट 2022 डाउनलोड लिंक, मेरिट लिस्ट और कटअप के बारे में दोस्तों आज बात करेंगे। दोस्तों आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट में दोस्तों जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग, आपका दोस्तों जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेडलाइन था वो 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक था। एडमिट कार्ड दोस्तों आपका 8 अप्रैल को रिलीज हो गया था। एग्ज़ाम डेट दोस्तों आपने 15 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका था और आपका जो रिजल्ट है टाटा स्टील JIT रिजल्ट 2022 रिलीज डेट आपका दोस्तों यहाँ पर रखा गया है 4th वीक ऑफ अप्रैल। ये दोस्तों एक तरह का एक एक्सपेक्टेड डेट है, मीन्स आपका इसी मंथ में लास्ट में दोस्तों लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है। इसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा। दोस्तों इंटरव्यू में दोस्तों आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है आज इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों जब रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होगा तो आप अपना रिजल्ट tatasteel.com में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों एक ज़रूरी बात, जब टाटा स्टील JIT की वैकेंसी आई थी 2020 में तो आपको पता होगा दोस्तों माइनिंग में दोस्तों किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, ना दोस्तों नंबर बताया गया था, ना कटअप कुछ नहीं बताया गया था दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको कटअप अगर जानना है तो बहुत मुश्किल है, टाटा स्टील कभी दोस्तों कटअप नहीं बताता है किसी भी छात्र का। दोस्तों इस बार दोस्तों हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि किसी ना किसी का तो सिलेक्शन होगा माइनिंग से। पिछले बार तो दोस्तों किसी का नहीं हुआ था, बहुत लोग दोस्तों काफ़ी गुस्सा में थे, एटलीस्ट एक जन का भी तो हो, पर दोस्तों किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो दोस्तों इस बार इंटरेस्टिंग होगा देखना टाटा स्टील JIT रिजल्ट को कि माइनिंग में कितना लोगों का सिलेक्शन होता है, ताकि हम लोग को आगे और स्कोप देखा जा सके। दोस्तों आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि आपसे ये सब डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा इंटरव्यू के टाइम। आप दोस्तों यहां पर सब डॉक्यूमेंट बढ़िया से पढ़ ले और ये सब डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर ले, आपको दोस्तों यही सब डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा दोस्तों इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए और रिपोर्टिंग टाइम दोस्तों सुबह ही रहता है 9 बजे, इसी टाइप का दोस्तों देखने को मिलेगा। 2020 में दोस्तों जो वैकेंसी आई थी आपका सेम टू सेम इसी टाइप से रखा गया था, तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि 2022 में भी इसी टाइप को आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको कुछ इसी तरह का अपना रिजल्ट देखने को मिल सकता है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा, मीन्स आप पास है। और दोस्तों आपको कुछ नंबर नहीं बताया जाएगा कि आपका कितना सिलेक्शन हुआ है, कितना गलत है, ये सब दोस्तों कुछ नहीं, बस आपका सिलेक्शन अगर हो चुका होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बता दिया जाएगा। तो ऐसा है दोस्तों टाटा स्टील में इसी टाइप का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड डेट दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, इसी वीक कभी भी रिजल्ट आ सकता है टाटा स्टील ठीक है। जैसे भी दोस्तों रिजल्ट आता है मैं तुरंत एक वीडियो बना दूंगा, आपको दोस्तों तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, किसी भी तरह का दोस्तों प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।